अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ उमैर अलवी एंड आई एम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 जो कि लेटेस्ट टूल है उसके लेआउट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स, वर्ड 2019 के लेआउट में हमें टैब्स और ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं दैट इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार जहां पर आपको इस एप्लीकेशन के नेम्स शो किया जाता है, बिल्कुल उसके नीचे यू विल हैव फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू टैब। Now, as I click on the home tab, you can see there are different groups. जिस तरह से सबसे पहला ग्रुप हमें यहाँ पर क्लिपबोर्ड का शो हो रहा है, सेकेंड वन इज फॉन्ट ग्रुप, थर्ड वन इज पैराग्राफ ग्रुप, फोर्थ वन इज स्टाइल्स ग्रुप एंड द फिफ्थ वन इज एडिटिंग ग्रुप। सो ईच ग्रुप फर्दर कंटेन्स सब आइकॉन्स, जिस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट का आइकन आपको यहाँ शो हो रहा है, इसी तरह से फॉर्मेट प्रिंटर भी अवेलेबल है। बिल्कुल इसी अंदाज में फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास फॉर्मेटिंग रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपको कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप इन आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि शॉर्टकट की को अवॉइड किया जाए। इसी तरह से फॉर्मेट प्रिंटर की ऑप्शन के थ्रू हम किसी भी पैराग्राफ के फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं एंड वी कैन अप्लाई दैट ऑप्शन टू सर्टन अदर पैराग्राफ्स एज वेल। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि आइकन जो है वो एक पेंट ब्रश लाइक बन चुका है। सो एज आई हाईलाइट अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, जैसे ही आप इस पैराग्राफ को हाईलाइट करके माउस बटन को रिलीज करते हैं, सो यू कैन सी दैट पैराग्राफ इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट विच वी हैव कॉपीड। सो दिस इज हाउ फॉर्मेट पेंटर वर्क्स। इसी तरह से फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत सी फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शन जो हैं हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, लाइक वी कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल, वी कैन चेंज फॉन्ट साइज एज वेल। सिमिलरली हमारे पास बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग की ऑप्शन है। इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी टास्क में पूछा जाता है कि आपने फॉन्ट के ऊपर या किसी पैराग्राफ के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, सो यू कैन जस्ट अप्लाई इट फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। आप फॉन्ट टेक्स्ट इफेक्ट्स के ड्रॉपडाउन मेन्यू को ओपन कीजिए और यहाँ से जैसे ही आप माउस ओवर करेंगे, सो यू विल हैव द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट इफेक्ट्स, जिस तरह से इसका नाम है फिल ऑरेंज एक्सेंट 2, आउटलाइन एक्सेंट 2, सेम इज द केस द नेक्स्ट वन इज ग्रेडियंट फिल, गोल्ड एक्सेंट 4, आउटलाइन एक्सेंट 4। सो वट एवर इट विल आस्क इन द टास्क, सो अकॉर्डिंगली यू विल सेलेक्ट द रेलिवेंट वन, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इसके साथ आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर की ऑप्शन मिल जाती है और फॉन्ट कलर की ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो, हेडिंग की फॉर्मेटिंग हो या किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, तो ऑब्वियसली आप फॉन्ट ग्रुप के थ्रू इसको कर सकते हैं। ग्रुप के बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर हमें एक कंट्रोल हैंडल मिल जाता है। एज यू क्लिक ऑन दिस हैंडल, सो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बिकम्स अपीयर्ड, वो तमाम ऑप्शंस जो कि हम फॉन्ट ग्रुप में डायरेक्ट आइकन्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शंस आपको इस डायलॉग बॉक्स में भी मिल जाती हैं। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है और पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में हमारे पास बुलेटेड और नंबर लिस्ट के ऑप्शन हैं। ये टास्क भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नंबर लिस्ट के ऑप्शन हैं, इसको भी पूछा जाता है। इसी तरह से लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्टाइल्स के ग्रुप में अगर हम आते हैं तो स्टाइल्स के ग्रुप में जैसे ही आप ये डाउन एरो को क्लिक करते हैं, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस देयर, जिसमें पैराग्राफ की बिल्ट इन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टाइल्स। बिल्कुल इसी अंदाज में हेडिंग के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक
ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि सब टाइटल है, सबटल एम्फेसिस है, एम्फेसिस है, इंटेंस एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग है, कॉट है, इंटेंस कॉट। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल एज वेल। सिमिलरली इन द लास्ट ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एडिटिंग, इसमें हमें फाइंड की ऑप्शन मिल जाती है। इफ़ यू जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर वर्ड और अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइंड ऑप्शन, टाइप योर वर्ड ओवर हियर, अपना वर्ड यहाँ पर टाइप कीजिए, तो वर्ड ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट लिंक्स शो कर देगा वेयर एवर दैट वर्ड इज अवेलेबल इन योर डॉक्यूमेंट। सिमिलरली इफ यू जस्ट वॉन्टेड टू रिप्लेस अ वर्ड विद एनी अदर वर्ड, तो आप रिप्लेस की फील्ड को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दो फील्ड्स मिल जाती हैं, फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस विद। फाइंड वर्ड में आप वो वर्ड टाइप करेंगे जिसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस विद में वो वर्ड टाइप करेंगे जिस वर्ड से आपने उसको रिप्लेस करना है। लास्ट पे अगर आप देखिए तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल की ऑप्शन है। इफ़ यू जस्ट वॉन्टेड टू रिप्लेस इट ऑन अ सिंगल पोजिशन, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, और अगर रिप्लेस ऑल को क्लिक करें तो जहाँ कहीं वो वर्ड अपीयर हो रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इंसर्ट टैब के अंदर। बहुत से ऐसे टास्क हैं जो कि इंसर्ट टैब से पूछे जा सकते हैं, जैसा कि पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पूछा जा सकता है बिल्कुल इसी अंदाज में। हम टेबल की ऑप्शन हमें मिल जाती है, वी कैन इंसर्ट अ न्यू टेबल, वी कैन एडिट अ टेबल, टेबल के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसको टेक्स्ट में बदला जा सकता है, और टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो टेबल के बाद हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर्स की ऑप्शन है, और डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट करने की ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, चार्ट है। इसी तरह से लिंक्स में हमें हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस के बारे में पूछा जा सकता है, और कमेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। सेम इज द केस अगर हम हेडर एंड फुटर के ग्रुप में देखें, तो यहाँ पर हेडर की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू विल बी आस्क्ड टू अप्लाई अ हेडर लाइक ऑस्टिन, लाइक बैंडेड, लाइक फैसेट और फिलग्री। सो डिफरेंट ऑप्शंस फ्रॉम हेडर एज वेल। सेम इज द केस विद द फुटर, फुटर से भी आप डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का ग्रुप आ जाता है, और टेक्स्ट के ग्रुप में या तो आपसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बारे में पूछा जा सकता है। सो अगर टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पूछा जाता है तो डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस की ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जिस तरह से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, ऑस्टिन कोट है, ऑस्टिन साइड बार है, फैसेट कोट है, बैंडेड साइड बार है, एंड बैंडेड कोट इज अवेलेबल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दैट इफ इट दे विल बी आस्क्ड टू इंसर्ट अ टेक्स्ट फ्रॉम अनदर वर्ड फाइल, तो आप ऑब्जेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन मिल जाती है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, अ डायलॉग बॉक्स बिकम्स अपीयर्ड। इस डायलॉग बॉक्स में से आप अपनी रेलिवेंट वर्ड फाइल को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट टैब को क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि जब आपने किसी भी टास्क को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस लोकेशन पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है जिस लोकेशन के ऊपर वो टास्क अप्लाई करना है। लोकेशन पर क्लिक करके देन आप टास्क को अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास सिंबल्स की ऑप्शन है। अगर आप डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स या डिफरेंट सिंबल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, तो आप सिंबल के ऑप्शन पर जाके मोर सिंबल को क्लिक करते हैं, और यहाँ आपके पास दो टैब्स आ जाते हैं फर्दर इस डायलॉग बॉक्स में, लाइक द फर्स्ट वन इज सिंबल एंड द सेकंड वन इज स्पेशल कैरेक्टर। इफ दे विल बी आस्क्ड टू अप्लाई अ स्पेशल कैरेक्टर, तो क्लिक ऑन दिस टैब, और यहाँ से आप अपना रेलिवेंट स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, उसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इफ दे विल आस्क टू इंसर्ट अ सिंबल, तो आप सिंबल टैब को क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप रेलिवेंट फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज दे विल बी आस्क्ड टू सेलेक्ट सीगोयूएल इमोजी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप कैरेक्टर कोड जो है वो टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 00097। लेट सपोज द कोड इज 00C3, तो आप 00C3 टाइप करें और उसको इंसर्ट करते हैं।
दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई इंसर्ट डिफरेंट सिंबल्स एज वेल। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइन टैब है जिसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डिज़ाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत से डॉक्यूमेंट स्टाइल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि लाइन स्टाइलिश है, इसी तरह से लाइन सिंपल है, मिनिमलिस्ट है। सो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट स्टाइल्स हैं जो कि आपको यहाँ से मिल जाते हैं। सेम इज द केस इज दे विल आस्क यू टू चेंज द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कलर, तो कलर के ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत से कलर्स यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से पेज बॉर्डर की ऑप्शन है, पेज बैकग्राउंड में इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सी ऑप्शन हैं वो मिल जाती हैं, जिस तरह से नन की ऑप्शन है, बॉक्स है, शेडो है, 3D है, कस्टम है, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लेआउट पे आते हैं। लेआउट में हमारे पास मार्जिन्स की ऑप्शन है, आप यहाँ से पेज मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो दे विल बी आस्क्ड टू चेंज द मार्जिन्स लाइक नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड, ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हमें कस्टम मार्जिन पे जाना है तो हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आप टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन की वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं एज पर द टास्क। टास्क में चीज़ें गिवन होती हैं और ओरिएंटेशन को भी चेंज किया जा सकता है, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन शामिल है। सेम इज़ द केस इफ दे विल आस्क यू टू चेंज द साइज, तो आप यहां से पेज के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स कॉलम की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। वी कैन कन्वर्ट आर टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स लाइक 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ्ट और राइट कॉलम्स। इसी तरह से पेज ब्रेक की ऑप्शन भी अवेलेबल है, कॉलम है, कंटिन्यूस है, इवन पेज ब्रेक एंड ऑड पेज ब्रेक अवेलेबल है। रेफरेंसेस में अगर हम आएँ तो हमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। इसी तरह से फुट नोट्स में इंसर्ट फुट नोट, एंड नोट की ऑप्शन अवेलेबल है और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, मार्क एंट्री, ये भी ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स मेलिंग के अंदर नॉर्मली एक्सपर्ट लेवल पे टास्क पूछे जाते हैं, एसोसिएट लेवल में मेलिंग से टास्क नहीं पूछे जाते। रिव्यू में हम आते हैं तो रिव्यू में स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं कमेंट्स के हवाले से। इसी तरह से रिव्यू पेन है, रिव्यू पेन वर्टिकल को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सी ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाती हैं। इसी तरह से व्यू टैब में अगर देखा जाए तो व्यू टैब में मैक्रोस की ऑप्शन अवेलेबल है, हम मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट एक जनरल सा एक ओवरव्यू कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2019 के एग्ज़ाम में किस किस्म के टास्क जो हैं वो डिफरेंट टैब से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टास्क को लेके कि जब आपके सामने अगर कोई टास्क आता है तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से परफॉर्म करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।